बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान। मोदी वाराणसी और अमित शाह गांधीनगर से लड़ेंगे चुनाव। पहली लिस्ट में 34 मंत्रियों को मिला टिकट, लिस्ट में 28 महिलाएं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और ओबीसी समुदाय के 57 सदस्यों को टिकट दिया। बीजेपी की पहली सूची में 4 पूर्व मुख्यमंत्री को भी टिकट। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से लड़ेंगे चुनाव। बिप्लव कुमार देव त्रिपुरा पश्चिम से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने यूपी के 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 46 मौजूदा सांसदों को दोहराया गया। अमेठी से स्मृति ईरानी और आगरा से एसपी सिंह बघेल को बीजेपी का टिकट। लखीमपुर खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय टेनी और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को बीजेपी ने दिया टिकट। अमरोहा से कंवर सिंह तमर, कन्नौज से सुब्रत पाठक और संबल से परमेश्वर लाल सैनी होंगे उम्मीदवार। बीजेपी ने गोरखपुर से रवि किशन, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव और जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उतारा। बीजेपी ने एमपी के 29 में से 24 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 9 सीटों पर बदले उम्मीदवार। बीजेपी ने भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटकर आलोक शर्मा को दिया टिकट। राजस्थान की 15 सीटों पर भी बीजेपी ने उतारे प्रत्याशी। अलवर से भूपेंद्र यादव, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को टिकट। बीजेपी ने गुजरात की 15 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, पोरबंदर से मनसुख मंडाविया को भी मिला टिकट। बीजेपी ने बंगाल के 20 उम्मीदवारों का किया ऐलान। हुगली से लॉकेट चटर्जी, कांती से शुभेंदु अधिकारी को टिकट मिला। बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ भोजपुरी गायक पवन सिंह को मैदान में उतारा। बीजेपी ने दिल्ली की 7 में से 5 सीटों का किया ऐलान। 4 नए चेहरों को उतारा। नई दिल्ली सीट से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया। नॉर्थ दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट। झारखंड में बीजेपी के 11 उम्मीदवारों का ऐलान। खूंटी से अर्जुन मुंडा, गोंडा से निशिकांत दुबे लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने पहली लिस्ट में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, कोरबा से सरोज पांडे मैदान में। बीजेपी ने उत्तराखंड में 5 में से 3 लोकसभा सीटों के नाम में प्रत्याशियों की घोषणा की। अल्मोड़ा से अजय टमटा, नैनीताल से अजय भट्ट होंगे प्रत्याशी। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से भी 2 सीटों की घोषणा की। जम्मू से जुगल किशोर शर्मा और उधमपुर से जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने केरल की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने केरल में मुस्लिम उम्मीदवार को भी दिया टिकट। मल्लापुरम से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम। पहली लिस्ट आने के बाद पीएम मोदी ने लिखा, तीसरी बार काशी की जनता की सेवा करने के लिए उत्साहित हूं। गांधीनगर से उम्मीदवार बनाए जाने पर अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी का आभार जताया। विदिशा से टिकट मिलने पर बोले, शिवराज सिंह चौहान पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मनाया गया जश्न। लखनऊ सीट से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद खुशी की लहर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी और आरएलडी के बीच हुआ समझौता। एनडीए में शामिल हुए आरएलडी जयंत चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। यूपी में कभी भी हो सकता मंत्रिमंडल का विस्तार। आरएलडी कोटे से भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। पटना में आज शक्ति प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन। लालू और तेजस्वी के साथ राहुल गांधी होंगे शामिल। बिहार के औरंगाबाद में पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर निशाना, कहा कि बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी। पीएम के सामने बोले नीतीश कुमार, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बीच में हो गए थे गायब, अब साथ ही रहूंगा। पीएम का ममता सरकार पर हमला। कृष्णानगर रैली में बोले, बंगाल में अपराधी तय करते हैं गिरफ्तार कब होना है। एमपी के मुरैना में राहुल की न्याय यात्रा। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जमकर हुई बारिश। हरिद्वार में भी बीती रात मौसम ने ली करवट, कई इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। विमेंस प्रीमियर लीग में टॉप पर पहुंची मुंबई इंडियंस, आरसीबी को 7 विकेट से शिकस्त दी। आरसीबी ने पहले खेलते हुए 132 रनों का दिया लक्ष्य। मुंबई की टीम 16वें ओवर में जीत लिया मैच। गुजरात के जामनगर से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह की आई तस्वीरें।